ऐसा ऐसा नगर सन्यासी था, पहले लिंग बढ़ा के पत्ता उठाते थे, लिंग अपना बढ़ा देते थे पत्ता उठा देते थे, जो तपस्वी था। अभी चुरू में एक घी का कुआं है, पानी को घी बना दिया था, जो तपस्वी होगा लिंग का झटका लगता है चिमटा से। बिल्कुल उसी बात पे मैं आने हाँ, लिंग का झटका 3 बार लगता है, फिर बच गया तो नगर, मर गया तो समाधि। इसीलिए पहले पिंडदान वाला सिस्टम करवाया जाता है। तीन कैटेगरी के नागा आपने बताए, खूनी नागा की है, लेकिन उसके संस्कारी का हिसाब से बोला जाता है, संस्कार के हिसाब से बोला जाता है। बर्बानी बाबा बोलेगा उसको। हाँ। और जिसके यहाँ पर संस्कार होगा इस जगह में, हाँ, उसको महाराज बोलेगा। अच्छा। और उज्जैन का संस्कार खूनी नागा बोलता है, लेकिन कोई खून नहीं घटा हुआ गलत बोलता है, खूनी नागा। हाँ, खूनी नागा जानने की इच्छा है। 90 करोड़ हिंदू भारत में है, हिंदू है क्या ये बता दीजिए। हिंदू देखो, सनातन धर्म का मूल मंत्र हिंदू। हाँ, हिंदू है क्या? सनातन धर्म का मूल मंत्र हिंदू है। वो मूल मंत्र के बारे में हम नहीं जानते। हिंदू है क्या, धर्म है या जाति है, क्या है? दोस्तों नमस्कार, मैं वार के निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक News24 में। दोस्तों इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौजूद है। दोस्तों बता दें कि इन दिनों प्रयागराज में माघ मेला 2024 संचालित हो रहा है। ऐसे में दोस्तों बता दें कि प्रत्येक वर्ष माघ मेला में अनेकों प्रकार के साधु संत महात्माओं, कल्पवासियों और तमाम श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है। दोस्तों संतों की अगर बात करें तो संतों में भी कई कैटेगरी के संत होते हैं, जिसमें नागा संत, अघोरी संत और निरंकारी संत, इस तरह करके तमाम संत होते हैं। तो आज आप लोगों को हम माघ मेला 2024 में एक नागा सन्यासी से मिलाएंगे, वो हमारे साथ इस वक्त हैं, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल नागा सन्यासी होते कौन हैं और कैसे बनते हैं और कैसा होता है इनका जीवन। बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए देर नहीं करते, इनसे परिचय करवाते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक। हाँ, जय हो, नमो नारायण। महाराज जी दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम महंत रेणुकानंद सरस्वती, 10 नाम जुनो अखाड़ा के है। महाराज जी आप नागा सन्यासी है? हम नागा सन्यासी है, 10 नाम जुनो अखाड़ा के नागा सन्यासी है। नागा सन्यासी होते क्या है पहले ये? नागा सन्यासी संस्कारी होता है, जैसे 7 गुरु होता है, कंठी गुरु, लंगट गुरु, भस्मी गुरु, भगवा गुरु, चोटी गुरु, दिगंबर गुरु, उसके बाद सन्यास गुरु, तब सन्यास मैंने पूरा 7 गुरु होने के बाद महात्मा बनता है, मैंने नागा सन्यासी बनता है, 7 गुरु होगा तो भाई। अच्छा नीचे वाला, चलिए ठीक है, आप देख पा रहे हैं मेरे पास नीचे वाला दे। महाराज जी के पास तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ इस तरह से दान दक्षिणा कर रहे हैं महाराज जी के पास आके और इनसे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इस तरह करके बता दें कि तमाम दिन भर में तमाम श्रद्धालुगण इनके पास आते जाते रहते हैं और वो इसी तरह से इनसे आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। महाराज जी नागा साधु कैसे बना जाता है, कोई परंपरा होती है या फिर? पहले पंच गुरु होगा, कंठी गुरु, लंगट गुरु, भस्मी गुरु, भगवा गुरु, चोटी गुरु, 5 गुरु होगा, बालमुंडन होगा। हाँ। बालमुंडन होगा, गुरु मंत्र देगा, कोई भस्म देगा, कोई भगवा वस्त्र देगा, कोई कंठी देगा, कोई लंगट देगा। पंच गुरु होने के बाद हम लोगों को 3 कुंभ में संस्कार होता है। हाँ। एक तो उज्जैन में होगा। हाँ। एक इलाहाबाद में होगा, एक हरिद्वार में होगा, नासिक में हम लोग का संस्कार नहीं होता है। अच्छा, वो क्यों महाराज जी? नासिक खिचड़ी हो जाए, नासिक में कोई नागा का संस्कार नहीं होता है। नागा का संस्कार होता है एक तो इलाहाबाद में होगा जी, एक उज्जैन में होगा, आना तो हरिद्वार में होगा, 3 जगह होता है। तो मेरा जो संस्कार है मेरा उज्जैन का, हम खूनी नागा बोलते हैं वहाँ का। अच्छा, बोलता है लेकिन हम किसका खून करेगा। खूनी नागा होते हैं, उज्जैन का जो संस्कार होता है उसको खूनी नागा बोलता है, और इलाहाबाद का जो नागा होता है, इलाहाबाद में जिसका संस्कार होता है उसको महाराज बोलते हैं, और हरिद्वार में जिसका संस्कार होगा उसको बर्फानी बाबा बोलेगा। तीन कैटेगरी के नागा आपने बताए, खूनी नागा की है, लेकिन उसके संस्कारी का हिसाब से बोला जाता है, संस्कार के हिसाब से बोला जाता है। बर्बानी बाबा बोलेगा उसको। हाँ। और जिसके यहाँ पर संस्कार होगा इस जगह में, हाँ, उसको महाराज बोलेगा। अच्छा। और उज्जैन का संस्कार खूनी नागा बोलता है, लेकिन कोई खून नहीं घटा हुआ गलत बोलता है, खूनी नागा। हाँ, खूनी नागा। अच्छा महाराज जी, आमतौर पर लोगों में जानने की उत्सुकता ये होती है कि जो नागा सन्यासी होते हैं वो वस्त्र क्यों नहीं धारण करते? सुनिए, हम लोग नागा, जैसे हम दिगंबर का पुकार कराएगा अभी। हाँ। दिगंबर पुकार कराने के बाद श्री दिगंबर जिसका श्री चढ़ेगा वो जीवन भर कभी कपड़ा नहीं पहनेगा। अच्छा। उसके लिए खर्चा है, भंडारा, बड़े बड़े श्री महान महामंडल सर विश्व गुरु बैठेगा तब होगा। हाँ। अगर श्री दिगंबर जो बनेगा, हाँ, वो कपड़ा नहीं पहनेगा, जो दिगंबर है वो कपड़ा ही बनेगा, भस्म भी चढ़ाएगा, कहीं वस्त्र भी बनेगा, कहीं नागा भी बनेगा। दिगंबर सब संस्कार के लेकिन पुकार कराना पड़ता है, अगर श्री का पुकार हो गया
तो जीवन भर कभी नहीं पड़ेगा। मेरा दादा गुरु है श्री दिगंबर, मेरा दादा गुरु है श्री दिगंबर। अच्छा, हम नहीं है, वो है, हमारे दादा गुरु है। अच्छा महाराज जी, वो कौन सी उम्र थी जब आप संन्यास धारण कर लिए? संन्यास धारण तो बहुत दिन हो गया, 16 साल 18 साल में हमारा संन्यास धर्म पालन हो रहा है। 16 साल से आज 65 साल। आज 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 ये देखिए, इस तरह से श्रद्धालु लोग आते हैं और महाराज जी के पास जो है आशीर्वाद। संन्यास धर्म धारण किया है जी। आज मेरा उम्र 65 साल हुआ है। ऐसे ही 65 साल के हो गए। हाँ, पैसा अभी हमें आश्रम बनाए, अपना आश्रम छत्तीसगढ़ में बनाए महाराज, छत्तीसगढ़ भिलाई में। प्रत्येक वर्ष जैसा कि गुरु जी का आदेश है, तुमको पैसा मिले ना मिले, दान दक्षिणा मिले ना मिले, तुम तो पैसा में बचना है, 1 महीना रह के जाना। इसीलिए मैं माघी मेला में आता हूँ। परंपरा का अनुपालन और गुरु का आदेश, गुरु का आदेश, इनके आदेश कुछ बैठा है। अच्छा, उनके आदेश। अच्छा महाराज जी, नागा सन्यासियों की बारे में अगर पद लिया जाए तो बड़े बड़े पद, जैसे अभी देखे ना हरिगिरी महाराज श्री महंत है, विश्व सस्ता है, वो अलग चीज। पद लेने के लिए हम लोग के पास उतना ताकत नहीं, हमारा जूनागढ़ में पद लेने के लिए मेरा ताकत नहीं है, जिसके पास है वो करा लेता है, मेरे पास नहीं है। महाराज जी, नागा सन्यासी बनते वक्त क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है? जैसे आपने तो बताया कि प्रथम पंचगुरु होगा, कोई कंठी देगा, कोई लंगर देगा, कोई भस्मी देगा, कोई भगवा वस्त्र देगा, और कोई चोटी काटेगा जो कान में गुरु मंत्र देता है। अच्छा, गुरु मंत्र देगा कान में, पंचगुरु हुआ। उसके बाद जब संस्कार होगा, बाल मुंडन होगा, एक बार तो पहले हुआ ही बाल मुंडन, आबार दूसरा बार बाल मुंडन होगा, मंत्र जाप होगा, ऐसे ही हवन क्रिया कराएगा, पिंडदान कराएगा, उसके बाद पिंडदान सब कुछ, नया नाम, नया जीवन, नया सब कुछ आएगा। अखाड़ा का हिसाब से, जुना अखाड़ा का हिसाब से चलना है, उसके बाहर नहीं है। अखाड़ा में जो नियम है उसके भीतर में चलना पड़ेगा। हम लोगों जब संस्कार होगा, 6 गुरु हो गया, दिगंबर गुरु, जब दिगंबर गुरु बनता है, वो भी बता देता आपको, जब दिगंबर बनेगा, हम लोग शाही का दिन में शाम को अपना अपना गुरु बोलता है, बेटा जिसको जिसको दिगंबर बनना है, नागा बनना है, अपना धर्म धजाम चले जाओ। लिंग का झटका लगता है चिमटा से, बिल्कुल उसी बात पे मैं आने। हाँ, लिंग का झटका 3 बार लगता है, कोई बच गया तो नागा, मर गया तो समाधि। इसीलिए पहले पिंडदान वाला सिस्टम करवाया जाता है। हाँ, है ना? ये जो लिंग में जो चिमटे का झटका दिया जाता है, तो ये पहले होता है या पिंडदान पहले होता है? सबसे लास्ट पिंडदान, इसीलिए पहले भाग जाता है। कितना आदमी नागा नहीं बनने के लिए भाग जाता है, उस 6 गुरु में हो जाता है, हम लोग को साथ भाग जाता है, भाग जाते हैं। इसीलिए पहले पिंडदान करवा लिया जाता है। इस पिंडदान का यही असर है, पिंडदान कराया था इसलिए कि सन्यास धर्म उसका पूरा पालन करेगा। सन्यास धर्म को पालन करेगा, मैंने पूरा शरीर को पाप ताप त्याग सब कुछ, नया जन्म नया नाम अखाड़े से मिलेगा सब। तब उसके बाद झटके दिए जाते हैं, झटका देने के बाद सब काम खत्म तमाम हो जाता है। तो महाराज जी, नागा सन्यासियों के बारे में जहाँ पर बात आती है, तो कुछ ऐसे रहस्य बताएं जिससे अभी तक लोग अनजान हो। नागा सन्यासी देखिए, जो तपस्वी है बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा ऐसा नागा सन्यासी था, पहले लिंग बढ़ा के पत्ता उठाते थे, लिंग अपना बढ़ा देते थे, पत्ता उठा देते थे, जो तपस्वी था। अभी चुरू में एक घी का कुआं है, पानी को घी बना दिया था, जो तपस्वी होगा। अच्छा, जो तपस्या का सिद्धपीठ होगा, जो तपस्वी होगा 3 फुट ऊपर बैठेगा, तरवाल घुमाएगा लिंग में बांध के, सब कुछ करता है। अभी कुंभ में आइए ना, बहुत मजा मिलेगा आपको। कुंभ में लगा यही रहेगा, जूना अखाड़े में आना है। जी जी बिल्कुल। अब हमारी तो निरंतर ड्यूटी रहती है इधर, साल बाद एक साल इंतजार कर, जितना नगा लेगा तुमको सबको मिलेगा, हर हजार हजार लाख लाख नगा मिलेगा। तो हमारा अकेले का है, लाख लाख नगा आ गया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। लेकिन एक बात बोलने के लिए भूल गया। जी जी महाराज, किसी प्रकार जब तक मोदी जी है, ये हिंदू राज घोषित होना अनिवार्य है। ओम नमो नारायण। बस हिंदू राष्ट्र से क्या फायदे ना, हमारे पास बहुत फायदा है। ओम नमो हिंदू राष्ट्र होने से जानते साधु सन्यासी का अपमान जो हो रहा है, ये बंद हो जाएगा, होना चाहिए। अच्छा, हिंदू है कौन महाराज? सब हिंदू, बहुत हिंदू है। बता दीजिए, थोड़ा सा जानने की इच्छा है। 90 करोड़ हिंदू भारत में है। हिंदू है क्या, ये बता दीजिए। हिंदू देखो, सनातन धर्म का मूल मंत्र हिंदू। हिंदू, हाँ, हिंदू है क्या? सनातन धर्म का मूल मंत्र हिंदू है। वो मूल मंत्र के बारे में हम नहीं जानते। तो हिंदू है क्या, धर्म है या जाति है, क्या है हिंदू? देखिए, जाति तो नहीं है, जो संप्रदाय ब्रह्मा जी ने बनाया उस प्रकार हिंदू धर्म को अनिवार्य सनातन धर्म में जुड़ना है। हिंदू को आप मानते क्या है महाराज जी? हिंदू मानेगा नहीं, हिंदू क्यों नहीं मानेगा? हिंदू सनातन धर्म का मूल मंत्र, इतना बता दिया आपने। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हमको RSS प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू नाम घोषित कराओ इसको। ओम नमो नारायण। बोल दिया।
चलिए ठीक है, तो बता दें दोस्तों कि आज हम संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद थे और आप लोगों को पता ही होगा किन दिनों संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2024 संचालित हो रहा है। ऐसे में बता दें कि तमाम दूर दराज से अलग अलग जिलों से अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से लाखों लाखों आएगा जी बिल्कुल, तमाम संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर हुई है और तमाम दर्शनार्थी और श्रद्धालुगण यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक नागा सन्यासी थे जिनसे हमने आप लोगों को रूबरू करवाया, उनके द्वारा बताई गई बातों को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।